महंगाई तो कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। अगर क्या कांग्रेस पार्टी होती तो महंगाई रुक जाती, महंगाई नहीं होती। बेरोजगारी और महंगाई के लिए बेरोजगारी नहीं है, पहले 20,000 रुपए कमाता है, 50,000 रुपए कमा रहा है इंसान। तो आप अच्छे परिवार में पैदा लिए, अच्छे माहौल में पले बढ़े, अच्छे पढ़ाई कहिए, तो उससे के आप अपने राजनीति कहाँ से अच्छे लाओगे? एक साल के अंदर 500 स्कूल कहाँ है, 500 स्कूल। एक बात ये मैं आप ही को अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं चलो समथिंग राहुल हूँ, आप मोदी जी हैं, मैं राजपाट अच्छे बड़े घराने में बड़ा हुआ, पैदा हुआ, मेरे पास अच्छी तालीम है, अच्छा एजुकेटेड बंदा हूँ। आप मुझे चार इकट्ठा चार लोगों के बीच में, मेरे को नहीं जानता कोई भी यहाँ पे, आप मुझे पप्पू कहोगे तो ये भाई भी मेरे को पप्पू, ये दीदी आप भी मुझे भी पप्पू समझोगी ना फिर, क्योंकि आपने मेरा माहौल बना दिया है पप्पू, क्योंकि आप मुझे पप्पू कहोगे, आपके चार चार जन आपके साथ बोलेंगे तो मुझे पप्पू बोला जाएगा। पर मैं लंदन से पढ़ाई करके आया हूँ, मैं अच्छे राजनीति परिवार से हूँ, मुझसे अच्छी राजनीति कौन जानेगा? नहीं, आप क्या सोच रहे हैं कि आप अच्छे परिवार में पैदा लिए, अच्छे माहौल में पले बढ़े, अच्छे पढ़ाई कहिए, तो उससे के आप अपने राजनीति कहाँ से अच्छे लाओगे? आप बस पढ़ाई पढ़ाई बोल सकते, राजनीति के इसे तुलना नहीं कर सकते हम। जो अगर संविधान में ऐसा होता है कि एजुकेशन वाला बंदा ही राजनीति करे तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हमें तो भाई महंगाई से डर लगता है। महंगाई का मुद्दा इन्होंने उठाया है, जब से बीजेपी आई है ये भी उन पर आरोप लगे कि महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है। महंगाई बस तो नहीं आएगी, जब से मोदी जी आए जब से महंगाई हो रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही और महंगाई पे महंगाई हो रही है। मैं बता रहा हूँ, आज से 100 रुपए का हो गया सिलेंडर, 1100। आप आज से 10 साल पहले का डाटा देखिए, उस समय लोग कितने कमाते थे, 300 रुपए कमाते थे ना, चाहे 500 रुपए कमाते थे। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है सीजन, जैसे जैसे बढ़ रहा है ये महंगाई भी बढ़ेगा। आपको 10,000 रुपए मंथली, पहले 7,000 मिलता था, अब 10,000 मिल रहा है, पहले 300 रुपया था, 500 रुपया। तो देखिए उसके साथ साथ थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो है। अब थोड़ा बहुत बढ़ना है या ना बढ़ना, ये जीएसटी दूध में, दूध की भैंस इतने बताते, पहले कितना कमाते थे, पहले कमाते थे। अरे रहने दो भाई जी, रहने दो, अरे भाई रहने दो। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, महंगाई अब आप बताइए, संसाधन बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। आदमी पहले 5,000 कमाता था, 20,000 रुपए कमाता है, पहले मोबाइल आपके पास 500 रुपए या 700 रुपए वाला मोबाइल होता था। अरे आज की रेट में सबके पास 10 आपकी बात दीदी, भैंस क्या कहते हैं जो भैंस दूध देती है, वो पहले भी उतना ही देती थी और आज भी उतना देती है, तो दूध पे क्यों जीएसटी भाई, किस बात की जीएसटी? अब ये बताओ, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है हमारा ईंधन, पेट्रोल या डीजल सीएनजी का रेट बढ़ेगा तो हमारी हर चीज़ों का रेट बढ़ता चला जाएगा। तो फिर आपकी बात सारी सही है, मगर जब सुनो कहीं बढ़ा रहे तो मजदूर की, देखो मेरा मानना यह है कि जब कोई संसाधन पे हम काम करते हैं, रोड पे काम करते हैं, सड़क पे काम करते हैं, और जो पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें खर्चा तो लगेगा ही, एस्टीमेट तो हर चीज़ का आता ही है। अब क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो भैया तेल के दाम भी ऊपर ही जाएंगे, और जिस तरीके से संसाधन हमारे चेंज होते हैं तो भैया विकास के लिए हमें किसान का अनाज भी महंगा बिकना चाहिए ना, किसान का अनाज भी, किसान की मजदूरी महंगी होनी चाहिए, महंगा कर दो। अनाज महंगा नहीं बिक रहा है, पहले इतना ही अनाज कितने नहीं बेच रहे किसान, तो कोई बड़ा है, सब्सिडी बढ़ी है, आटा मिलता था आज 25 मिल रहा है, तो भैया कहाँ हो रहा है? किसी मजदूर के पैसे बढ़े हैं? नहीं जी नहीं बढ़े, किसी मजदूर के पैसे बढ़े ये सारे बोल रहे। लेबर जो लेबर है, जो लोग जनता काम करती है, पहले 500 रुपए मजदूर की झाड़ी थी, आज 800 रुपए मजदूर की झाड़ी है। कौन कह रहा है कि महंगाई नहीं, महंगाई मतलब मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ी? 300 रुपए में घर का खर्चा चला के दिखा दे मेरे को, मैं भी उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। एक मिनट को, स्वच्छ भारत करते रहते हैं जो सफाई कर्मचारी है, मैं सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी की सैलरी कभी 2 महीने नहीं आती, 3 महीने नहीं आती, उसके दौरान हम घर कैसे चलाएं, मुझे बताओ भाई। मेरी फीस वो एक स्टेट के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, अगर किसी स्टेट के गवर्नमेंट ने कोई रेवेन्यू उसको फंसा कर रखा हुआ है तो उसको क्लियर करना है, स्टेट के रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मोदी जी नहीं देखेंगे, हर स्टेट का जो है स्टेट का जो मालिक होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि स्टेट को सही ढंग से चलाए, मगर ऐसा नहीं है। 1000 रुपए सिलेंडर होता था ना, सुमिति रानी सबसे पहले अल्लाह मचाती थी, ये हो गया वो हो गया, आज 1100 रुपए का सिलेंडर बढ़ गए। अब कोई इन मुद्दों पे बात ही नहीं करता, बीजेपी कभी बात ही नहीं करती इस चीज पे। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इस पे, महंगाई की बात आ रही है?
महंगाई तो कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। अगर क्या कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी होती तो महंगाई रुक जाती, महंगाई नहीं होती। क्यों रुकी है? कांग्रेस के टाइम पे नहीं था भाई, आज भी महंगाई, उस समय महंगाई नहीं थी। अब बताइए तो समय जब वही कह रहे हैं समय जब समय अब इस समय अगर होती तो क्या महंगाई रुकी होती, तभी इतना होता? तो सोना अगर 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 वही पार्टी होती, अगर कांग्रेस होती तो क्या 5,000 रुपये सोना आपको मिलता? रोजगारी है आज, क्या कहते हैं आज तक किसी के भी बच्चे नौकरी लगे? मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों घर बैठे और पढ़े लिखे भी हैं। देखो जी, बेरोजगारी पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि हमारे प्रशिक्षित व्यक्ति है उसके लिए रोजगार है। अगर एक अगर ये बताइए कि हम परिवार में पांच व्यक्ति है और पांचों को अगर हम काम धंधे के लिए सोचेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, प्रशिक्षित बनाएंगे तो रोजगार के अवसर भी हमें मिलेंगे। एजुकेशन किसने दी? नहीं एजुकेशन, सीएम दिल्ली में सबसे ज्यादा एजुकेशन सुविधा कौन दे रहा है भैया? तो एक बात कौन दे रहा है ये भी बताओ। पहले के स्कूल नहीं थे, देखो कितने स्कूल बन गए। कहता है तो करता भी है, मोदी कहता है पर करता नहीं है। स्कूल कितने बने ये बताइए? नहीं नहीं, दिल्ली में कितने स्कूल बने? बात करो, दिल्ली में कितने नए स्कूल बने ये इनका सवाल है। क्या आपने दिखा? चलो चलो, स्कूल नहीं बने, मैं एक बात सुनो, स्कूल नहीं बने। मैं एक साल के अंदर 500 स्कूल कहाँ है? 500 स्कूल मेरे का 8 साल के अंदर मुझे बता दे। सेम मैंने वही किताबें अपने गवर्नमेंट स्कूल के दोस्तों के पास भी देखी, क्योंकि सेम ट्यूशन पे पढ़ते थे तो मैंने देखा वही किताबें मेरी भी उनकी ही सेम थी और एजुकेशन भी सेम थी। जब क्या कहते हैं जब से केजरीवाल जी आए हैं, और केजरीवाल जी के आने से हमारे स्कूल के बेंचेस और क्या कहते हैं काफी पानी वाटर कूलर सब मतलब कि अच्छा हो गया, टीचर्स भी टाइम पे आने लगे, बसों के लिए भी सुविधाएं हुई हैं। आम आदमी पार्टी आई है, बसों की सुविधाओं की बात हो गई है तो फ्री की राजनीति पर तो आना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि जो विपक्ष है बार बार कटाक्ष करता है कि फ्री देकर जनता को नहीं जीता जा सकता है, कहाँ तक सही है फ्री की राजनीति? फ्री की राजनीति में नहीं कह रहा कि आप तकरीबन सारा ही फ्री, उन्होंने इतना भी फ्री नहीं करा कि सभी खुश है। बिजली फ्री, पानी फ्री, और क्या चाहिए? सारा फ्री फ्री बांट रखा है केजरीवाल ने, और क्या करेंगे? बीजेपी ने क्या नहीं करा है बताओ? क्या नहीं करा बीजेपी ने बताओ? क्या किया है, क्या लगता है? क्या देश में क्या नहीं करा है, बाहर देशों में क्या नहीं करा है बताओ? क्या नहीं करा देश के लिए? बेरोजगारी और महंगाई के लिए? बेरोजगारी नहीं है, पहले 20,000 रुपए कमाता है, 50,000 रुपए कमा रहा है इंसान, समझे? नहीं कौन सी बेरोजगारी है? कोई बेरोजगारी नहीं है, सब फ्री के चक्कर में डोल रहे हैं लोग, समझे? क्या बसों में फ्री और उसमें फ्री है? क्या छोड़ दिया? कुछ बेच दिया वो तो छोड़ा क्या मोदी ने? बेच दिया क्या मोदी ने? छोड़ा क्या है? सारे गरीब व्यक्ति है वो तो क्या नहीं बेकार, रेलवे बेच दिए, प्राइवेटाइजेशन हो गया सब चीजों को। बताओ जो बेचा किसको, ये चीज बताइए जो बेचा। रुपए की टिकट आती थी पहले लाल किले की, अब 100 रुपए क्यों है? 100 रुपए की आती है टिकट, वही चीज पहले थी, अब जी वही चीज है लाल के अंदर, कोई नया तो बना नहीं है, वही चीज अब है, वही चीज पहले थी इसके अंदर। तो ये महंगाई क्यों कर दी इतनी? 100 रुपए 200 रुपए टिकट है संडे के दिन बताओ, अब 100 रुपए के 5 रुपए की टिकट है, 10 रुपए आती थी, क्या नहीं बेचा बताओ? ड्राइवर करके सब कुछ बेच चुका, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे टिकट 10 रुपए की आती थी, अब 30 रुपए टिकट है, चलो चले जाओ टिकट लेने के लिए, चल दो बस प्राइवेट कर चुके बताओ। मोदी ने बेच दिया सब, नहीं बेचा सब, महंगाई कर रखी है सारी, महंगाई है बताओ क्या छोड़ा दिल में, सब महंगाई कर रखी है। कुछ नहीं बेचा जी, कुछ नहीं बेचा ना, कोई महंगाई है समझे? सब कुछ नहीं लग रही आपको, क्या महंगाई लग रही है? पहले 200 रुपए कमाते थे, 500 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहा हूँ मैं, समझे? पहले 10,000 रुपए कमाए, 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, काहे की महंगाई है बताइए? हैं बताइए काहे की महंगाई? आप इतनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे मैडम, इसमें चार आदमी बता दो जिसकी तनख्वाह पहले एक पेंट करने वाले की दिहाड़ी थी 400 रुपए, ठीक है 400 रुपए लेता, आज उसको 300 रुपए देने में लड़ता है आदमी, क्या भाई कौन दे रहा है? 800 रुपए झाड़ी है, आप एक मजदूर, आपकी 800 रुपए है, 800 रुपए झाड़ी है, 1,000 रुपए झाड़ी है। ये जुमलेबाज वाली सरकारें हैं भाई, भी जुमले बना रहे हैं, जो हकीकत है उस पे बात करो। आपको विपक्ष में लग रहा है, नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कोई लग रहा है? मैं विपक्ष की बात तो कर ही नहीं सकता, मैं ना भी मैं विपक्ष में हूँ, मैं बात इतिहास की बात वो करो जो मुद्दे की है हकीकत में। आप ये देखिए पहले चांदनी चौक में आप खड़े हो सकते थे, आप यहाँ पे पहले 5 मिनट बात नहीं कर सकते, चल पे चल चल पे चल चल पे चल, आप जिस रोड पर साफ सुथरे खड़े हो कम से कम उस मुद्दे की बात करो। क्यों की देन है ये और किसकी देन है ये बीजेपी, और किसने करा है बताओ? इबे क्या इन भाई साहब को पता ही नहीं है, ये खामोखाई की मुद्दे की बात कर रहे हैं भाई साहब पूरे इस टाइम। वो बोलते हैं ना, राहुल जी ने बोला था कि भाई जिन्होंने करा मित्र होने की वजह से, उनकी कमर किसने थोड़ी मित्रों ने, तो ये वो लोग हैं, इन्हें इतिहास का नहीं पता कौन क्या कर रहा है, चल रहा है भेड़ चाल। तो आपसे यही पूछना चाह रहे, तो आपको क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी? बिल्कुल दे पाएंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है मुद्दे? आप एजुकेशन ही ले लो, सबसे बड़ी आहरा एक आदमी बोलता है शराब, अभी शराब को छोड़ो ना,
शराब को छोड़ो ना, शराब के एक मुद्दे, शराब को तो आप चलो उसने शराब भी दी तो शराब को ऐसा मुद्दा नहीं, एजुकेशन भी तो देखो लोगों को कितनी सुविधा दे। शराब ऐसा मुद्दा नहीं है क्या? जनता ने बार बार शराब पे ही शायद उनको लताड़ा। देखो जी ओपोजिशन को कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई एक मुद्दा तो, कोई हर एक आदमी पांच उंगली एक साथ नहीं होती, कोई ना कोई गलती नहीं करेगा तो सामने वाले को बोलने का मौका कैसे मिलेगा, हकीकत है नहीं है तो बात यही है बस। और अभी एमसीडी में भी जीत गई है आम आदमी पार्टी, क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे, लगता है कि पूरी कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी, आगे पीछे जैसे पीछे करा ऐसे आगे भी करती आएंगी। मेरा मानना है कि केजरीवाल जी को जो हमारे जनता ने उनको समर्थन दिया है, मेरे हिसाब से अब जो उनको काम करना चाहिए, कूड़े के पहाड़ों पे वो चढ़े थे, मेरे हिसाब से वो आने वाले 4-6 महीने में कूड़े के पहाड़ गायब हो जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि राजनीति राजनीति उन्होंने की है, राजनीति करके वो आए हैं।